मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है कोई तुमसे पूछ सकता है? तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है? बोलिए देव ऋषि नारद, क्या चाहते हो? महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद, तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए, माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांक दिए। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न। दोस्तों, हमारे द्वारा आपके लिए यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरीके की जानकारी मिलते रहेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।